नमस्कार, सोशल सिटी प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष उपाध्याय। आज हम लोग ग्राम पंचायत राज बलेसरा में और हमारे साथ हैं यहां के स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि केशव सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप सब जानना चाहेंगे आपका कार्यकाल पिछले कितने वर्षों से है। अभी पूर्व में मैं 2001 से 6 तक भी मुखिया था। इसके बाद 10 वर्ष मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व दूसरे व्यक्ति ओम प्रकाश कुशवाहा ने किया। इसके बाद पुनः फिर 2016 से लेकर 2021 तक मैं अभी वर्तमान में मुखिया हूँ, प्लस पैक्स अध्यक्ष हूँ। इसके बाद आपको बता देते हैं कि जिला का निर्विरोध वाइस चेयरमैन भी हूँ। बहुत खुशी की बात है और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा जब भी चुनाव मैं लगता हूँ या मेरे साथ जो जनता रहता है, मेरे यहाँ जो भी बात होता है स्पष्ट 50 आदमी के बीच में बोलते हैं। जब भी मैं जीता हूँ कुछ ना कुछ अपना उपलब्धि करके गया हूँ। मैं हारने जीतने का परवाह नहीं करता हूँ। सरकार की जितना योजना होता है वो स्पष्ट जनता के बीचों में हम आकर बोल देते हैं कि भाई काम है। उसके बावजूद भी जनता का इतना बोझ है कि मुखिया जी ये काम करवा दीजिए, मुखिया जी वो काम करवा दीजिए। मैं अपने को धनवान जरूर पूछता हूँ कि भाई चलिए अपने पास से भी कुछ, हम लोग का अलग भी कुछ व्यवसाय है जिसके द्वारा हम लोग कुछ अलग कर जनता का कुछ उधार करते हुए मैंने चाहते हैं कि भाई चलिए कम से कम संतुष्ट तो रहे। मेरे यहाँ 13 वार्ड है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जो कि पूरे बिहार के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना माना जाता है, इसको कितना सफल मानते हैं? मैं अपने यहाँ तो सुरैला सफल मानता हूँ। जितने भी मेरे यहाँ मैंने पंचायत में जो गांव पड़ता है, चूँकि 13 वार्ड है, 13 वार्ड में 12 गो नल जल का काम मेरे यहाँ हुआ है। 2 वार्ड छोटा छोटा है जिसमें 60 घर 90 घर था, तो 2 वार्ड सरकार का कम पैसा में 2 वार्ड का काम एक नल जल के द्वारा कर दिया। अब रह गई 12 टंकी के साथ, डबल टंकी के साथ मेरे यहाँ टोटल सुचारू रूप से चल रहा है। कहीं इस तरह का शिकायत नहीं है कि मेरे यहाँ पानी पूरे पंचायत के किसी घर में नहीं मिलता हुआ, ऐसा कोई बात नहीं। 1% का कोई बात नहीं कर सकते हैं किसी कारण से, लेकिन 100% सफल अगर है कि इस ब्लॉक में तो मेरे पंचायत में है। 7 नीचे में जो गली नली का काम जो सरकार ने दिया था वार्ड के माध्यम से, मेरे यहाँ वार्ड से भी सामंजस्य बैठा कर टोटल लोग से कहीं किसी प्रकार के क्रिटिसाइज और कमेंट में इसके पहले भी जो भी मुखिया थे मैं उसके पीछा नहीं पड़ा, न कोई शिकायत करता हूँ। हम तो खुलेआम कहता हूँ कि कोई ना कोई हमारे बारे में कहे कि हम ये काम नहीं किए। हम गए मुखिया जी हमको गाली दे दिए, मुखिया जी द्वारा कुछ हमारे नाम को कोई दलाल अगर कुछ कह देगा जूता उठाकर मारने वाला हम व्यक्ति है, ये सब लोग मेरे सामने जनता जान रही है। इसको भी हम सूर्या धरातल पर सफल बनाए हैं। अभी मैं उससे ज़्यादा काम करा दिया हूँ, लेकिन अब सरकार तो हाथ उठा दिया जो नली का पैसा नहीं भेजेंगे। 7 नीचे में जो टंकी के वाला काम हो रहा है नल जल का, उसमें भी मेरा लाइबिलिटी अभी ब्लॉक पर वीडियो साहब के पास 22-23 लाख रुपये हो गया, लेकिन मैं टोटल लोग को वार्ड का जहाँ जरूरत पड़ा है वहाँ से हम अपने नाम पर सामान दिलवाए हैं जो मैं दूंगा, लेकिन इस वार्ड का काम पूर्ण हो जाए, टोटल काम पूर्ण है मेरे यहाँ। कोई शिक्षा और चिकित्सा जो कि समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसकी क्या स्थिति आपके पंचायत? पहले विगत 5 वर्षों से जो आज की स्थिति है सब जगह लगभग ठीक है। इसके पहले शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं था। मेरे ही गांव में नवसिद्धित प्राथमिक विद्यालय था, जो एक शिक्षक थे वो हवा पानी में बांध कर चलाता था। ऊपर जो शिक्षा का जो महत्व होता है, शिक्षक पर ज़्यादा दायित्व है जो उस बच्चा को संस्कार सिखावे, उसको बोलने का पढ़ने का लिखने का। छोटा प्राथमिक विद्यालय में पहले किया जाता था। वो शिक्षक ऐसा था जो चश्मा लगा कर बैठेगा बाहर, लड़का लोग पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है इससे मतलब। लेकिन प्रथम 2016 में ही चिट्ठी बनाकर उसके डर से कोई नहीं बोलता था, लेकिन हम प्रथम किया हुए तो प्रथम उसको पहले हटाए और उसको फेस किए। हटा कर टोटल जो मास्टर जिस लाइक था उस स्कूल में हम उसको एडजस्ट किए। आज शिक्षा व्यवस्था भी मेरे यहाँ लगभग 90% ठीक है। 10% चिकित्सा की क्या व्यवस्था है मेरे यहाँ? तो पंचायत में कोहरा स्वास्थ्य केंद्र था, लेकिन कोई भवन वन नहीं है। लेकिन यहाँ दाऊदपुर से ही सब लोग पैग है, दाऊदपुर से स्वास्थ्य का काम लोग करवाते हैं। मेरे यहाँ अभी कोहरा वाला बंद है, उसमें हम वृद्धा पेंशन योजना और आवास योजना की क्या स्थिति आपकी पंचायत? हमारे यहाँ जो पुराना अलॉटमेंट था 2 या 3 या 4 मैंने साल में 4 या 5 मैंने हुआ है,
अभी जो वित्तीय वर्ष जो लास्ट जो रह गया था उसमें 14-14 करके 0 हो गया मेरे यहाँ मेरे पंचायत में। लेकिन नया जो गरीब जो छूट गया था, जो सरकार का प्रोविजन आया कि जो गरीब छूट गया है उसको पुनः इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसकी सूची बनाई जाए। उस सूची में हम जो जितने गरीब का नाम डाले उसमें से अभी आवास एक भी चालू नहीं हुआ है, क्योंकि उस हेड का पैसा ही नहीं अभी सरकार चालू किया है। हम लोग जब बैठते हैं, जब कोई आता है कि मुखिया जी घरवा ना बनिए, अब घरवा कहाँ से बनाए, जब सरकार पैसे दी तब तारा खाता में जाइए अपने तरह बुझा जाइए, हमारे में कौन काम बा, हमारे तो कोई ज़्यादा रोल बा ना, हमारे अपने काम रहे जो गरीब आदमी बा ओकर नाम हमारा जोड़ देवे करे। इहो नहीं क्या भाई जो केहू से एगो रुपया लेके जोड़ दे, सबसे गरीब पंचायत है ब्लॉक में हमारे पंचायत बा, चूँकि यहाँ जौन स्थिति बा जनसंख्या के आधार पर हम जनजाति से भी आई नहीं है, 200-250 वोटे हुई, लेकिन हम जात पात के कोई चीज़ ना बुझे, यहाँ जमात एगो बहुत बड़ा बा, अरे जमात के आगे सच्चाई पर हम जी, अगर हमारे बेटा भी गलत करे तो सब लोग जानते हैं हम उसका बकस ना सकिले, लात मार सकिले, जइया ले जियब यही सिद्धांत से हम जी ले, आज जमात में हमें सकते सारा वर्ग के लोग हमें। पंचायत की मुख्य समस्याएं कौन कौन से जिससे आपकी जनता अभी भी जूझ रही है? देखिए पेंशन का बहुत बड़ा समस्या था, जिसमें पहले कुछ लोग इधर उधर किए थे, लेकिन जब हम आते हैं तो 5 पैसा पेंशन में कोई किसी माई का लाल का औकात नहीं है, जो कोई कह दो 2 रुपया का फॉर्म ले आकर बिक जाता है, और उसको हम ब्लॉक में भी नहीं जाते हैं, 6 महीना साल भर पर कबो जाते हैं, लेकिन किसी को भिजवाते हैं, हम साहब को फोन कर देते हैं, साहब जी इसको देख लीजिएगा, तो बेचारे इतना कोऑपरेट लोग भी करते हैं जो कर देते हैं, जानते हैं जी इसमें इविन बट कुछ नहीं है, जल्दी मैंने कर दें, नहीं तो हम जरूर जाकर हम डीएम साहब से बोलते हैं। ये बात रहता है जब जिला में रहते हैं तो जिला के अधिकारियों के नाम पर मेरा कम हुआ कुछ से हो जाता है, इसमें कोई दूर आए नहीं। पेंशन मेरे यहाँ लगता है जी 1-2% रह गया होगा किसी गरीब का, लेकिन लगभग 98% सड़क की क्या स्थिति है? सड़क में भी दाऊदपुर से जो सड़क बाजार से जो उत्तर आइएगा सीधा कोहरा बाजार या समता पर जाइएगा, अभी तो आए होंगे तो आप देखे होंगे, अभी तो बहुत बढ़िया सड़क हो गया है, पिच हो गया है। गली नली में भी बरेजा रोड बहुत खराब था, जिसको हम 1500 फीट वहाँ PCC कराए फर्स्ट में, दाऊदपुर से आने लायक सड़क नहीं था, उसमें भी हम 3 पार्ट में वहाँ PCC करे, अभी ना पिछ हुआ है 3-4 साल पहले, फर्स्ट मैंने जब हम चुनाव जीते थे तो बहुत कठिनाई था इस पंचायत के लोगों को चलने में, लेकिन आज के डेट में हम बहुत सेटिस्फाइड हैं जो पंचायत में कोई काम नहीं लगता है जो कोई कहे जो भाई हमको आने जाने में दिक्कत है।